हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पकाओ खिलाओ में। तो चलिए आज हम बनाने जा रहे हैं मोतीचूर के लड्डू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लड्डू बनाने की रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 3 से 4 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पर बेसन का इस्तेमाल किया है और धीरे धीरे करके इसमें मैंने पानी ऐड किया है। पानी हमें इसमें धीरे धीरे करके ही डालना है ताकि इसमें कोई गुठलियाँ ना पड़े और अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। तो इतनी देर में हमारा यहाँ पर तेल गर्म हो चुका है और जो मैंने पेस्ट रेडी किया था तो उसके हमें पकोड़े तल लेने हैं। पकोड़े हमें टेढ़े मेढ़े जैसे भी बने वैसे बना लेने हैं और इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेना है। हमें इन्हें हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना है ताकि ये थोड़े से लाइट ब्राउन हो जाएं। तो चलिए यहाँ पर मेरे ये जो पकोड़े हैं ये बनकर रेडी हो चुके हैं। अब हमने एक मिक्सी का जार लिया है, उसमें ये सारे पकोड़े ऐड कर दिए हैं। पकोड़े डालने के बाद हमने इसे ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए, इसमें ज़्यादा पकोड़े नहीं डालने हैं। मैंने यहाँ पे इसको भर दिया था लेकिन मुझे दोबारा निकालने पड़े और कम करके ही इसे ग्राइंड करना पड़ा। तो ये देखिए, हमारा जो ये पाउडर है बनकर रेडी हो चुका है। ये हमने पकोड़ों का चूरा हो चुका है। अब मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है। पैन में मैंने 1 कटोरी चीनी ऐड की है और 1/2 कटोरी मैंने इसमें पानी ऐड किया है। अब हम इसकी चिपचिपी सी चाशनी तैयार कर लेंगे। जैसे ही चीनी घुलनी स्टार्ट हो जाए इस स्टेज पर हमें इसमें थोड़ा सा कलर फूड डाल लेना है। कलर फूड हमें ऑरेंज या रेड कलर का ही डालना है, जैसे मोतीचूर के लड्डू का कलर होता है। तो चलिए, ये मेरी चाशनी बनकर रेडी हो चुका है। हमें इसमें तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ चिपचिपी चाशनी रेडी करनी है। तो अब ये जो हमारा चूरा बनकर रेडी हुआ था तो इसमें हमें प्लेट में निकाल लेना है इसे हमें सारे को, और इसमें जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास हो उसमें ऐड कर देना है। मैंने यहाँ पे काजू, बादाम और मगज के बीज ऐड किए हैं। तो आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हो वो इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़े करके चाशनी ऐड करेंगे। आपको एक साथ इसमें चाशनी नहीं डालनी है। तो अभी ये हमारा जो पेस्ट है इसमें मैंने चाशनी ऐड की है, वो थोड़ी सी गर्म थी तो मैंने इसे ठंडा करने के बाद ही मिक्स किया है। आप भी इसे ठंडा करने के बाद ही इसको अच्छे से मिक्स कर लेना, क्योंकि अगर ये गर्म रहेगा तो आपके हाथ जल जाएंगे और लड्डू अच्छे से नहीं बन पाएंगे। तो अब मैंने ये अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं यहाँ लड्डू बनाने की तैयारी करती हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पे लड्डू बनाना स्टार्ट कर दिया है। आपको भी इसी शेप में लड्डू बना लेने हैं, गोल गोल छोटे छोटे, तो जैसे भी आपको बनाने हैं उसी तरीके से आप इसे बना सकते हैं। तो ये देखिए, मेरा एक लड्डू बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं दूसरा लड्डू बना रही हूँ। तो चलिए, आप अगर ये मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो थैंक यू, धन्यवाद। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको किसी भी रेसिपी के ऊपर वीडियो बनवानी है तो आप मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। तो ये देखें, यहाँ पर मेरे जो ये लड्डू हैं मोतीचूर के बनकर रेडी हो चुके हैं। देखने में बड़े ही सुंदर लग रहे हैं और खाने में उससे भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। तो मैंने तो यहाँ मोतीचूर के लड्डू बनाकर रेडी कर लिए हैं, बस खाने की देर है। तो चलिए, आप सब भी इसे ट्राई कीजिए, खाइए, बनाइए। और मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, ये मेरी जो भी रेसिपी पसंद आती है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। और आप किस किस जगह से मेरी वीडियो ये देख रहे हैं, मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो मुझे कमेंट में लिखकर बताएं ताकि मैं आपको धन्यवाद कर सकूँ। थैंक यू।